नमस्कार भक्तों, कांवड़ यात्रा 2021 की हरिद्वार से बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है। उत्तराखंड के सीएम ने पुलिस बल को दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। चलिए जान लेते हैं क्या चेतावनी दी है। कांवड़ यात्रा पाबंदी के बाद पुलिस ने हरिद्वार में बढ़ाई सख्ती। यूपी से सटे बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं उत्तराखंड के सीएम ने। कांवड़ यात्रा पर पाबंदी के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बॉर्डर पर पुलिस का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। 24 जुलाई यानी कि आज से सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। कांवड़ यात्रा गंगाजल लेने हरिद्वार आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। हालांकि वाहनों के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। ये उत्तराखंड के सीएम ने कड़े आदेश दिए हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, अगर कोई हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौटते समय पकड़ा गया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। डीजीपी अशोक कुमार ने भी पुलिस को पाबंदी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में यूपी की सीमा से सटी जिले की सभी सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। हर आने जाने की संग चेकिंग की जा रही है। 24 जुलाई यानी कि आज से कांवड़ियों के लिए सीमाएं सील कर दी जाएंगी। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को हरिद्वार आने का कारण भी पूछा जाएगा। अगर कोई कांवड़ यात्रा के लिए आता है तो उसे बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। एसओ अभिनव शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई से बालावाली मंडावर बॉर्डर, खानुपुर पुरकाजी बॉर्डर के सिकंदरापुर पुरकाजी बॉर्डर और दल्लावाला मोरना बॉर्डर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा रहेगा। कांवड़ियों को हरिद्वार जिले में प्रवेश से रोका जा रहा है, इसके लिए बॉर्डर पर लगातार चेकिंग हो रही है। बुधवार को बिजनौर से लगे हरिद्वार जिले के दोनों बॉर्डर पर चेकिंग की गई। चिड़ियापुर और लहारपुर बॉर्डर से 50 से अधिक छोटे बड़े वाहनों को लौटाया गया। इन लोगों के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी और न ही पोर्टल पर पंजीकरण करवाया था। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कांवड़ मेला रद्द कर दिया है। ऐसे में कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश रोकने के लिए वार्डरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बुधवार को थाना प्रभारी श्यामपुर अनिल चौहान ने चिड़ियापुर लहारपुर वार्डर पर चेकिंग अभियान चलाया। जिन यात्रियों के पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट पर रजिस्टर नहीं था, उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। तो कांवड़ यात्रा 2021 की हरिद्वार से ये थी बड़ी खबर। तो सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।